हरियाणा में छात्र संघ चुनावों पर रोक है। पिछले कई सालों से ये प्रतिबंध जारी है, लेकिन इन दिनों छात्र संघ चुनावों को बहाल करने के लिए राजनेता भी आगे आ रहे हैं। इसी को लेकर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में इनसो के छात्र संवाद सम्मेलन में पहुंचे जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव दिग्विजय चौटाला ने भी इस मुद्दे पर बात की। दिग्विजय सिंह चौटाला ने कहा कि छात्र संघ चुनाव को लेकर सरकार के पास 5 अगस्त तक का समय है। अगर 5 अगस्त तक सरकार छात्र संघ चुनावों पर कोई घोषणा नहीं करती तो 6 अगस्त को इनसो के कार्यक्रम में छात्र चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान किया जाएगा। इसकी शुरुआत कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से की जाएगी। मैं तो यही कहूंगा कि सरकार जल्द शेड्यूल जारी करे, जल्द सभी वाइस चांसलर्स अनाउंस करें, तारीखें अनाउंस हों और चुनाव हों, प्रत्यक्ष तौर पर चुनाव हों। आप सब जानते हैं कि सरकार का वादा था, सरकार ने नोटिफिकेशन जारी की थी और अब सरकार अपने वादे को पूरा करे। तो किस प्रकार अगस्त दिया जी? निश्चित तौर पर, क्योंकि लिंग दो कमेटी के तहत जो है अगस्त में, उससे अगले एक महीने में चुनाव होने चाहिए और चुनाव प्रत्यक्ष तौर पर हों, इस बात की हम पूछते हैं। किन मांगों को लेकर मुख्य तौर पर जा रहे हैं लोगों के बीच में? हम तो एक ही मांग को लेकर के जा रहे हैं, बाकी सारे मुद्दे मैं मानता हूं कि इसके अंदर वो सब्सिडरीज हैं, सब चैनल्स हैं। अगर एक बड़ा मुद्दा सुलझ जाएगा, प्रत्यक्ष तौर पर छात्र संघ चुनाव की बहाली हो जाएगी, तो बाकी सारे मुद्दे अपने आप सुलझ जाएंगे। फिर जब काउंसिल के अंदर, एग्जीक्यूटिव के अंदर चुने हुए नुमाइंदे एडमिनिस्ट्रेशन के सामने बैठेंगे, वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार और DSW के सामने इक्विलेंट पावर रखेंगे, तो फिर यूनिवर्सिटी के अंदर मैं मानता हूं सही मायने में डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर की बहाली। देखना होगा कि इस पर सरकार क्या फैसला लेती है, और यदि ये प्रस्ताव सरकार स्वीकार नहीं करती तो JJP और उसका छात्र संगठन इस पर अपनी क्या प्रतिक्रिया देता है। कुरुक्षेत्र से अशोक यादव, सूर्या समाचार।